हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी पंजाब पाकिस्तान से। तो मैं आज एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ आ जाऊँगा। आज की वीडियो में बहुत मजे के, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो जो है वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने, बांग्लादेश के सब्सक्राइबर भाई ने रिकमेंड की है। मैंने एक वीडियो बनाई थी चिटागांव सिटी पे, तो उन भाई ने ही मुझे चिटागांव सिटी का लेटेस्ट ड्रोन व्यू और लेटेस्ट वीडियो रिकमेंड की है। और चिटागांव सिटी मैंने पहले भी देखी है, जो कि बहुत जबरदस्त लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और अब हम उधर का लेटेस्ट व्यू देखेंगे, 2020 का उसका व्यू कैसा है, बिल्डिंग्स का व्यू कैसा है, कैसी लगती है ये सिटी, कंप्लीट डिटेल है इस वीडियो के अंदर। और उन्होंने ये मुझे लेटेस्ट वीडियो रिकमेंड भी की है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक लाजमी देखें, और हम मिलकर देखते हैं सिटी किस तरह की लगती है और क्या इस सिटी को विजिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वीडियोस में जाकर वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ऊपर कार्ड में भी जो है इसको ऐड कर दूंगा, ताकि इजीली आप वहां से भी क्लिक करके इसको देख सकें। तो अभी टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो अगर चलते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, आफ्टर दैट वीडियो अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं जी वीडियो, लेट्स प्ले द वीडियो। क्या बात है जी, ड्रोन व्यू आ रहा है जी सिटी का, हॉल चिटर गाँव सिटी स्काई व्यू। ओके, ग्रीनरी चेक करें, ब्यूटीफुल चेक करें, लोगों का रहने का स्टाइल, घर जो कलर नज़र आ रहे हैं वो चेक करें, आप कितना खूबसूरत है। क्या बात है, देखें कैसे घरों के साथ घर लगे हुए हैं, घरों के साथ घर लगे हुए हैं, छोटे छोटे घर, प्यारे प्यारे घर, बिल्डिंगें। चेक करें कैसा व्यू है, ये कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पे रोड से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। क्या बात है जी, चेक करें वो सामने रोड का व्यू आ रहा है, कितना प्यारा रोड का व्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी यूरोप कंट्री को देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ऐसे जिप ट्रैक बनता हुआ रोड बिल्डिंगों के साथ, और बिल्डिंगों के दरमियान में बहुत खूबसूरत व्यू। क्या बात है जी, नाइस व्यू। प्लेग्राउंड आ गया और ये बिल्डिंगों का व्यू आ गया, क्या बात है। पहले भी पीछे बिल्डिंगें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी बिल्डिंगें कुछ ज़्यादा ही हजूम है बिल्डिंगों का। और ये वो प्ले इधर भी प्लेग्राउंड आ रहा है नज़र, और वो सामने भी एक और प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है। कितना खूबसूरत व्यू है और कितना करीब करीब, और ये आगे सारी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, सारी ग्रीनरी, आगे बिल्डिंगें नहीं, आगे ग्रीनरी ग्रीनरी है। डक में बिल्डिंगें इसलिए भी ज़्यादा है कि वहाँ पर जो है लोग पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया कम है, इसलिए फिर वहाँ पे बिल्डिंगें ज़्यादा हैं। और नो डाउट बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, क्या बात है। ये नीचे रेलवे लाइन का जो है वो भी आ रहा है, देखें ये नीचे रोड कितना खूबसूरत लग रहा है, रेलवे ट्रैक भी नज़र आ रहा है, जो रेलवे ट्रैक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, और ये रोड का व्यू तो क्या ही बात है। बाकी ढाका सिटी आप चेक करें, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैदान है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, ये सारे घर ही घर हैं यहाँ पर, छोटे छोटे घर। ड्रोन अभी काफ़ी ऊँची उड़ान पर है, तो ये व्यू आ रहा है, कैसा रहने का मंजर है यहाँ पे लोगों का, किस तरह लोग इकट्ठे हो के रहते हैं, जगह का अंदाज़ा यहीं से करें।
ब्लू कलर ऊपर ज़्यादा दिखने को आ रहा है, पता नहीं ये टंकी है या छतों का कलर है या क्या है, ये ब्लू कलर कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है बिल्डिंगों के ऊपर जो है, यहाँ मे भी ये शेल्टर टाइप कुछ हो सकता है या पार्किंग का कुछ हो सकता है इसका, जो ये ब्लू कलर का ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या बात है जी, ये साथ जो है वो पानी का हिस्सा भी आ गया है और ये बोर्ड्स हैं यहाँ पे डिफरेंट, ये देखें ये बोर्ड आ गए यहाँ पे, ये कंटेनर नज़र आने लग गए हमें, कंटेनर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये शिपिंग का सारा जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे कंटेनर जो हैं वो इस बोर्ड पे आते हैं और शिपिंग होती है यहाँ से। ये हेलीकॉप्टर का व्यू मुझे तो लग रहा है, ड्रोन का तो व्यू ही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मुझे अभी महसूस हो रहा था। ये देखें जी, ये सारे जो है कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं और ये बोर्ड का खूबसूरत व्यू, ये जी बांग्लादेश का बोर्ड भी हमने आज देखी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और क्या बात है, देखें कंटेनर कितनी तरतीब से लगे हुए हैं और कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, ये शिप है यहाँ से जो शिप में कंटेनर आते हैं उनको उठा के जो है ट्रेन की मदद से जो है वो दूसरी तरफ लाया जाता है। क्या बात है जी, ये शिपिंग और वो सामने बोर्ड और साथ सिटी, खूबसूरत मंदिर। ये इस तरफ टेली कम्युनिकेशन का ये टावर पोल भी लगा हुआ है और ये ग्रीनरी के साथ भी घर बने हुए हैं छोटे छोटे, में भी ये कोई देहाती इलाका हो सकता है, विलेज हो सकता है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है लग रहा है इस तरफ वाला, उस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स दिखने को नज़र आ रही हैं, इस तरफ जो है वो कम नज़र आ रही है और ग्रीनरी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये देखें ब्लू ब्लू जो है ये वाटर टैंक ही मुझे लग रहे हैं, तो मे भी वो सारे वहाँ पर वाटर टैंक ही थे जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर से जो है वो अट्रैक्टिव कलर होकर नज़र आ रहा था। सारी आगे सिटी नज़र आ रही है और खूबसूरत एक व्यू आ रहा है। ये बीच में जो है ये रिवर है शायद, आई थिंक सो, और ये उस तरफ भी सिटी है, इस तरफ भी सिटी है, उस तरफ वाली सिटी ज़्यादा डेवलप है, इस तरफ के सामने है। ये भी बंदरगाही थी, यह भी यहाँ पे कंटेनर वगैरह पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल यहाँ पे एंड हो गया वीडियो का। और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, वीडियो बहुत अच्छी थी, भाई ने हमें रिकमेंड की इस वीडियो में, हमने देखा कि जो है कैसा व्यू आ रहा है सिटी का, ये कंप्लीट ड्रोन व्यू था इसके अंदर और ऊँची ऊँची इमारतें देखी हमने और सारा कुछ बोर्ड देखा, स्पेशली जो है बांग्लादेश का पहले नहीं कभी देखा था, आज देखा कंटेनर्स वहाँ उतर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंदिर था, बड़ा प्यारा मंदिर था, बड़ा अच्छा लगा ये बांग्लादेश की सिटी को देख के। वहाँ पर बिल्डिंग इसलिए ज़्यादा, जैसा कि मैं वीडियो के साथ साथ आपको डिस्क्राइब करके बताता
पाएगा कि एरिया के लिहाज से वो मुल्क छोटा है लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे है, लेकिन डेवलपमेंट भी कर रहा है, शेख हसीना बहुत काम कर रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा राइजिंग पे जा रहा है। तो कंप्लीट वीडियो आप बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी थी, ये था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। आप लोगों का क्या ओपिनियन आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं जी को ज़्यादा देर मिलेगा नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक अपना और अपने आस पास वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।